कभी भी किसी भी एलिमेंट को ऐसे मेजर नहीं करते, आप लोगों को समझाने के लिए बस ये बताया है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास को जिस यूनिट के ज़रिए डिस्क्राइब करते हैं उसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है उसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, और इसको AMU से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हमने AMU को ग्राम में ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हम देखते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁻²⁴ ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी हेडिंग है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हर एलिमेंट का कोई ना कोई सिंबल होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का H होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O, सोडियम का Na और क्लोरीन का C है। इसी तरह हर कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है, जैसे वाटर का H2O होता है, अमोनिया का NH3, सोडियम क्लोराइड का NaCl। ये सिंबल्स आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो हमारे पास एक केमिकल, जब भी कोई केमिकल बनता है तो बहुत से एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, उसी तरह उन एलिमेंट्स को कंबाइन करके उनका केमिकल फार्मूला डिराइव किया जाता है।